तो मिस्टर नरेंद्र जी कुछ बताएंगे आप अपने बारे में, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं, यहाँ से फिर वहाँ से नासिक, नासिक महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा क्या सोचा कि आप दर्शन करने इतनी दूर जा रहे हैं? मन विचलित हुआ और निकल पड़े। मन को भगवान संयम दे। तो रास्ते में सफर के बारे में बताइए। मेरे ही नहीं, जीवन में सारी दुनिया के जीवन में सुख संपत्ति शांति दें। कोरोना के समय में बहुत परेशानी कठिनाई है, लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बस उसी की मनोकामना की। थोड़ा सा आप अपनी यात्रा के बारे में भी विवरण दें कि आपको रास्ते में चलते वक्त कैसा महसूस हो रहा है इस हसीन गर्मी में। बस ट्रेन में दूसरी तीसरी बार बैठा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। गर्मी कैसी थोड़ा है? समय है, थोड़ी उमस भी है, ठीक है, वक्त का मजा लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट जर्नी के बारे में हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लीजिए, बस में चढ़ते ही काफ़ी तेज़ी से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे का सफ़र इसी बारिश में तय करते हैं। वैसे बारिश में सफ़र करने के एक अलग मज़ा है, आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली और ट्रैफिक भी है। अब हमारी बस दरिया गेट पर बने हुए पुल को क्रॉस कर रही है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है इस रूट पर और लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमको पहुँचते पहुँचते। कैसा लग रहा है? शानदार, मजा आ गया। बारिश हो रही है? बारिश जबरदस्त। कितने हाइट पे आए हो? कोई गिनती नहीं है, बहुत ऊंचा है। चक्कर वक्कर लगा कुछ? अब बहुत ज्यादा हाइट पे, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। डर वर लगा किनारे पे चढ़ने पे? डर तो इंसान लगेगा ही। चलो ठीक, कुछ बोलना चाहते हो घर वालों को? संदेश मत करो। अच्छा है, जंगल है ना, मस्त है। बोलो हर हर महादेव की जय। ठीक से बोलो जय। तो अब हम नासिक के त्रिंबकेश्वर टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं और काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि काफ़ी देर तक हम रिकॉर्डिंग कर सकें। मैं आज यहाँ पे आया हूँ नरेंद्र जी के साथ, जो कि अभी अपनी चप्पलें सही कर रहे हैं क्योंकि आज ये बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए हैं और चप्पलें इनका साथ छोड़ रही हैं। हालांकि इन्होंने चप्पलों ने यहाँ तक आने में बहुत साथ निभाया। तो आपको बता दें आज मौसम बहुत सुहावना है, यहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आप आइए, दर्शन का लाभ लीजिए, अपनी चिंताएं हरिए और जल्दी जल्दी आशीर्वाद ग्रहण करिए। कुछ आप भी बोलेंगे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप यहाँ पर आकर रुक भी सकते हैं, हम जा रहे हैं अभी इस टाइम मंदिर की एक धर्मशाला है जिसको नूतन धर्मशाला बताया गया है, वहाँ जाके हम पता करेंगे अकोमोडेशन के लिए। अगर मिल जाए तो आज रात हम वहीं स्टे करेंगे क्योंकि हमारे लौटने के लिए काफी टाइम लगेगा। अच्छा, ये शॉर्टकट रास्ता, ये वही रास्ता है? हाँ जी, बस और साधन कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम। मेरा मास्क गया। तो चलो मिलते हैं लंच के टाइम। लंच करेंगे कि डिनर? बताओ तो सही। चलो मिलेंगे डिनर की बात। बोलो क्या बताना, कुछ बोलना है बताओ। मौसम देखो, हरियाली देखो, मंदिर में दर्शन लाभ के बाद अब हम ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर जा रहे हैं और आसपास देखते हैं नज़ारे कैसे हैं। क्या हो गया? शानदार लोकेशन है ये, ब्रह्मगिरी पर्वत और गौमुख जाने का रास्ता। चारों तरफ नेचर, अगर आप झरना देख सकते हैं तो वह है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत का झरना,
अगर आपको दिख रहा है झरना, ठीक है, और उसके पास में ही सीढ़ियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी यात्रा। सामने से क्यों हट गए? मिस्टर नरेंद्र वैष्णव हमको यात्रा कराएंगे गौमुख जाने वाले रास्ते की। 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, कुछ बताते चलेंगे ऊपर। कितना घंटा बताया आपने? 2 घंटे का रास्ता यहाँ से, ठीक है। सफ़र थोड़ा लंबा है। अच्छा, उमस हो रही है लेकिन बारिश भी हो रही है। उमस कहाँ हो रही है? उमस हो रही है, कहाँ हो रही है, पसीना निकल नहीं रहा। हमने वीडियो करा कर आप ऐसे उमस बोलेंगे तो लोग दर्शन करने आएंगे। उमस भी हो रही है और हल्की सी बारिश भी हो रही है, नेचर है यहाँ का, ठीक है। तो पहले तो आप थोड़ा सा बताएं लोगों को पैदल चलना चाहिए शूज पहन के या चप्पल पहन के? सैंडल पहन के चलना चाहिए। क्यों सैंडल पहन के? क्यों? मतलब एक तो आप थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, लाइट पाँव में रहेगा। हाँ, और चलने में इजी रहेगा। अच्छा, चप्पल में क्या है कि फिसल कर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और चप्पल फिसलती भी है, बहुत चिपकते भी रहेंगे, चप्पल फिसलती भी बहुत है। चप्पल और जूता क्यों नहीं पहन सकते हैं? हैं, जूता क्यों नहीं पहन सकते हैं? शूज एक बारिश फिर वो अंदर पानी जाता रहेगा, वो चिपचिप भीग भीग भी जाएगा, भारी भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा मूड हैप्पी नहीं रह पाएगा। ओके, माला जाओ। तो ये है रास्ता माता गंगा द्वार का। क्यों थक गए क्या? लग तो रहा है, ठीक है ना? छाता नहीं ले गए आप अपना? जिनको भीगने से डर लगते हैं वो अपना छाता जरूर लेकर आए। पहला स्टॉपेज हाँ। थक गए हैं और आप कह रहे हैं अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अभी कितनी सीढ़ी चढ़ी होगी आपने? बड़े ने उंगली हिला दी, नहीं जाना है, कह रहे ऊपर ही जाना है। तो देखिए सामने लगभग इतनी हाइट पे भी और चढ़ना है। ये रास्ता है ऊपर तक जा रहा है। ये देखो पहाड़ी की छोटाई और ये बादल, ये हमारे सामने ही बादल हैं और दिख ही नहीं रहे, मतलब आप मतलब बादल की जस्ट हम टच पर हैं, ये मतलब 100 मीटर की दूरी पर, ज़्यादा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। और ये पौधे देखो, लाल पत्ती देखो, अरे में लाल पत्ती दिखाइए, लोग मखमल मांगते हैं प्राकृतिक कालीन है, प्राकृतिक। ये सब बादल हैं और ये बादल टच पर हैं यहाँ पर। बच्चा का जन्म होता है ना, गोदारी माता का जन्म होता है, गोदारी माता है, गोदारी माता। भगवान शंकर ने ऊपर जटा मारी थी पहाड़ियों पे और यहाँ से गोदावरी जी का जन्म स्थल है और ये पवित्र पानी हमेशा से ही यहाँ आता है और पास ही में यहाँ पे एक कुंड है और हमेशा ही पानी रहता है। आ रहा हूँ। क्या देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो? क्या क्या खानबीज कर रहे हो? केकड़ क्या करता है? केकड़ का पक्का चलता है? नीचे रख के चला, चला नीचे रख के दिखा दे कैसे चलता है। कितना बड़ा केकड़ा, पकड़ पकड़ जल्दी पकड़ पकड़, चला जाएगा कुंड में डाल दे, उसमें डाल दे। देख उसके दोनों पाँव में एक ऐसा शेर, तू सांप पकड़ लेता है, है? पकड़ लेता है, कभी पकड़ा है? है? इस कुंड के अंदर केकड़े मिलेंगे, ये देखो केकड़ा तैर रहा है। तेरा नाम तो बता दे। केकड़ा भी कह रहा था यार, क्या किस्मत वाला हूँ मैं। क्या चलो भाग दौड़ क्यों होगी, देखो बारिश।
ऊंचे ऊंचे मिंदर तेरे, ऊंचा है तेरा दरबार, है कैलाश वाले बाबा हम सब तुझे करते हैं प्रणाम।